الفضل بالعز وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والشيطان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر तो ये बयान किया था कि हाशिए में ये बात जिक्र रखी है कि हदीस शरीफ के दो मतलब, एक मतलब तो ये है कि ये दो टुकड़े अलग अलग है, इनका आपस में कोई गहरा जोड़ नहीं है, जोड़ मगर गहरा जोड़ नहीं। पहला जुमला ये है सल्लू की बुयूसी, घरों में नमाजें पढ़ो। जाहिर है कि नमाजों से मुराद नफल नमाजें, पढ़ाई के लिए तो मस्जिदें बनाई गई और घरों को कब्रें मत बनाओ, यानी घरों में अमवात की तदफीन मत करो। ये दूसरा मुस्तकिल मसला, दोनों में जोड़ क्या है? जोड़ ये है कि जब घरों में नमाज पढ़नी और घरों में कब्रें भी होंगी तो हो सकता है नमाज में कब्र सामने आए और खबर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की मान्यता है, लिहाजा घर में खबर होनी ही नहीं चाहिए ताकि उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का कोई मौका ही ना आए। दूसरा मतलब ये है कि जुमले सानिया में इख्तियार है और ये फरमाया है कि घरों में नमाज पढ़ो, यानी घरों में नमाज का हिस्सा रखो, घरों को कब्रें न बनाओ यानी घरों को कब्रस्तान न बनाओ। कब्रस्तान किनाया है ताबले आमाद से, जैसे कब्रस्तान में मुर्दे कोई अमल नहीं करते, ऐसा घरों के अंदर सिर्फ सोने का ठिकाना ही घरों को मत बनाओ, कब्रस्तान जैसा मत बनाओ, आमाद से और इबादतों से घरों को खाली मत कर दो, मुअत्तल मत कर दो, घरों में भी इबादतों का हिस्सा रखो। ये जो दो हाशिए में दो तफसीरें कर रखी है, राजिब तफसीर कहती है, ये दो अलग अलग मसले हैं। घरों में नमाज पढ़ो और घरों को घरों में तस्वीर अमवात की तस्वीर घरों में मत करो, क्योंकि घरों में कब्रें होंगी तो हो सकता है कि उस कब्र की तरफ आदमी हो करके नमाज पढ़ने लगे। ये पहला मतलब राजिब। दूसरा मतलब राजिब क्यों नहीं है?
घरों में अगर मर्द नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो औरतें तो पढ़ रही हैं, लिहाजा घर कब्रिस्तान कहाँ बने। मर्द अगर घरों में नफले नहीं पढ़ेंगे तो भी औरतें तो घरों में नमाज पढ़ ही रही, लिहाजा ये मतलब के घरों को बिल्कुल कब्रों की तरह से आमाल से मुअत्तल मत करो। घर तो आमाल से मुअत्तल हो ही नहीं सकता, कोई अकेला मुजर्रद आदमी हो उसका मसला तो अलग है, लेकिन आम मुआशरे में घर में बीवी होती है, माँ बहने होती है, बेटियां होती है, वो तो सारी की सारी घर में नमाज पढ़ रही है, तो घर आमाल से मुअत्तल का हो। ये पहला ही मतलब राज्य है। وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبواب الذكر باب ما جاء في فضل الذكر. विद्रोह की रिवायतें बहुत उलझी हुई, विद्रोह की रिवायतें बहुत उलझी हुई हैं और उसकी वजह से अइम्मा के मज़ाहिब भी मुख्तलिफ हो गए। मा हुवल वित्र, वित्र की हकीकत क्या है? वर्तमान की सलातुल्लैल, सलातुल्लैल यानी तहज्जुद की हकीकत क्या है? यानी ये दो नमाजें एक हैं या दो अलग अलग नमाजें? हनफिया ने बिल्कुल दो टोक वाजे फैसला किया है कि ये दो नमाजें बिल्कुल अलग अलग नमाजें हैं, इनमें कोई जोड़ और मुशाबहत नहीं है। बस सिर्फ इतनी बात है कि आम तौर पर वित्र ईशा के साथ पढ़े जाते हैं और तहज्जुद गुजार वित्रों को तहज्जुद के साथ सलातुल्लैल के साथ पढ़ते हैं, तो सलातुल्लैल के साथ वित्र पढ़ते हैं तहज्जुद गुजार, और आम मुसलमान ईशा के साथ पढ़ते हैं। तो तहज्जुद गुजारों की वित्रें सलातुल्लैल के साथ होती हैं, बस इतना ही जोड़ है, इससे आगे कोई जोड़ नहीं है। सलातुल्लैल बिल्कुल अलग नमाज है और सलातुल वित्र बिल्कुल अलग नमाज है। हनफिया के नजदीक सलातुल वित्र की हकीकत है तीन रकअतें, दो कायदे और एक सलाह, यही वित्र की हकीकत है। इन तीन अज्जा में से कोई भी जुज अगर नहीं रहा तो वित्र नहीं हो। तीन रकअतें, इससे कम वित्र नहीं, ज्यादा भी नहीं। दो कायदे, तो दो कायदे नहीं वो भी वित्र नहीं, बस एक सलाम, अगर दो सलाम है वो वित्र नहीं है। हनफिया क्या वो वित्र है ही नहीं, तो हनफिया ने बिल्कुल दो दो फैसला कर दिया। शवाफे ने तकरीबन ऐसा ही दो दो फैसला किया। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा और शवाफे के नजदीक नई सबई नहुमा कबीरों पर थे, उनके यहाँ सलातुल्लैल और सलातुल्वित्र दो अलग अलग नमाजें हैं ही नहीं, अलग अलग हैं मगर कोई ज्यादा फर्क नहीं, बराए नाम फर्क है। हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ सिर्फ बराए नाम फर्क है, कोई बड़ा फर्क इन दो नमाजों में नहीं है। सलातुल्लैल और सलातुल्वित्र की नमाज बराए नाम क्या फर्क है? वो ये कहते हैं कि सलातुल वित्र है रकअतुन वाहिदत, बस एक रकअत अकेली ये वित्र है, लेकिन एक रकअत अकेली पढ़नी नहीं, इसे कम से कम दो रकअतों के साथ मिलाकर पढ़ो और सलाम अलग अलग करो। सिर्फ एक रकअत वित्र पढ़ना तीनों अइम्मा के यहाँ मकरूह है, इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ भी, इमाम मालिक के यहाँ भी, इमाम अहमद के यहाँ सिर्फ एक रकअत पढ़ना मकरूह है।
जैसे एक भी पढ़ते उसके साथ पहले कम से कम दो गाना दो रकातें पढ़ो और फिर ये एक रकात पढ़ो, ये एक रकात ये भी करो और इससे पहले जो दो गाना ये सनातन ले लो, इससे पहले कम से कम दो और ज्यादा पढ़ना चाहो ज्यादा पढ़ो। यूनान से उनके यहाँ ये है कि एक रकात भी वितर है, तीन रकातें भी वितर है, पांच रकातें भी वितर है, सात रकातें भी वितर है, नौ रकातें भी वितर है, ग्यारह रकातें भी वितर है, तेरह रकातें भी वितर है। फिर इससे आगे नहीं गए, तेरह तक गए और कहा कि सब वितर है। और पढ़ना कैसे सलातुल लैल मत ना रखना, दो पढ़ो सलाम करो, फिर दो पढ़ो सलाम करो, फिर दो पढ़ो सलाम करो, फिर दो पढ़ो सलाम करो और आखिर में एक रकात अलग सलाम से पढ़ो और ये सब एक रकात सबके साथ मिल करके ये सात सलातुल लैल। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि ये आखिरी एक रकात अलग है, असल हकीकी वितर तो ये है और बाकी इससे पहले कितने दो गाने पढ़े गए हैं ये सलातुल लैल है, इसे सलातुल लैल कहते हैं, इसे सलातुल वितर करते हैं कहते हैं और मिलाकर कहते हैं मजमुआ सलातुल वितर। ये शाफी का मजहब है, यानी उनके यहाँ सलातुल लैल और सलातुल वितर दो नमाजें हैं मगर बराए नाम दो नमाजें, हकीकत में ये एक ही नमाज है, दई सबई नहुमा कबीरो फर्क। इमाम मालिक और इमाम अहमद रहे महमुल्ला इतना आगे शवाफे के साथ निकले, उन्होंने कहा कि इस तरह तीन ही रकत, उन तीन रकतों के अलावा जो आप सपने पढ़ेंगे वो सिर्फ सलातुल लैल है, वो सलातुल वितर नहीं, सलातुल वितर फकत तीन रकतें हैं मगर उन तीन को पढ़ना ऐसे है कि दो पढ़कर सलाम करो और एक अलग से सलाम करो, ये तीन वितर है। उससे पहले आप कितने नफल पढ़ेंगे वो सिर्फ सलातुल लैल है, सलातुल वितर है। तो इमाम मालिक और इमाम अहमद रहे महमुद्दा जहां तक शवाफे गए हैं उनके साथ साथ ही गए, एक जगह पर वह रुक गए और हनफिया के मजहब से करीब हो गए। हनफिया का मजहब है कि तीन रकाते वितर है न कम न ज्यादा, ये भी कहते हैं कि वितर तीन रकाते हैं न कम न ज्यादा। हनफिया कहते हैं कि दो कायदे, ये भी कहते हैं दो कायदे। हनफिया कहते हैं एक सदा, ये कहते हैं दो सदा, भाई इतना फर्क हो। और इमाम शाफी अलैहिर्रहमा और हजरत शवाफी तो बहुत दूर तक चले गए, उन्होंने कहा सलातुल लैल और सलातुल वितर में कोई खास फर्क नहीं है, बराए नाम फर्क है। और आप तेरह रकअतों तक कितनी नमाज पढ़ेंगे वो सब सलातुल लैल की है और सलातुल वितर की, और पढ़ने का तरीका है कि दो दो पर सलाम करो और आखिरी जो दाखिल हो। ये इख्तिलाफ मैंने पहले आपको बतला दिया था, एक हदीस शरीफ की बुनियाद पर ये इख्तिलाफ हुआ और वो हदीस शरीफ गुजर चुकी और उसे मैं समझा चुका। तो सलातुल लैल मसना मसना फैदा फार इसका मतलब ये टुकड़ा पहले से जुड़ा हुआ, फैदा सुबह रात में आप दो दो रकअतें पढ़ते रहिए, बस जब ये अंदेशा हो कब सुबह होने वाली है तो एक रकअत के जरिए से ताक बनाइए, फिर रकअत एक रकअत के जरिए से ताक बनाइए, किसको किसको ताक बनाए, यहाँ इख्तिलाफ। हनफिया कहते हैं कि मसना को साफ बनाई, ये जो मसना मसना था दो दो पर सलाम दो दो पर सलाम दो दो पर सलाम, अब जब सुबह का अंदेशा हुआ तो दो पर सलाम नहीं अब तीन पर सलाम, और ये जो तीन का मजमुआ ये पिछले हफ्ते की, फिर ये पिछले हफ्ते की रात की नमाज में शामिल होगा तो मगरिब के फर्जों के बाद से मगरिब की सुन्नतें सुन्नतों से लेकर पूरी रात नमाजें पढ़नी है सबको ये दाग बना दे। तीन रकअतें जो इसके हकीकी है रात की नमाज में, रात की नमाज से बोला है मगरिब की सुन्नत, मगरिब के फर्ज है वो तो दिन में मिलते और उसने तो दिन की नमाजों को दाग बना दिया और मगरिब की सुन्नतों के बाद से जितनी नमाज रात में नमाजें पढ़ी गई उसे ईशा के फर्ज भी दाग,
उन सबको ये तीन रथ अपने इकाई पर कर देंगे, मित्र बना देंगे। माने आई सलाहकार ने कथा करने दो गाने को एक के जरिए से मित्र बनाने, ये मतलब है जीता नहीं, बल्कि सलातुल लैल रात में आपने कितनी नमाज पढ़ी है उसको एक के जरिए से मित्र बनाए, उसको सारी रात के सारी नमाज को एक रकात से चित्र बनाने की शक्ल यही गाती, एक को अलग पड़ी और एक को अलग पड़ी और अब एक तहज्जुद की नमाज में शामिल होकर सारे तहज्जुद की नमाज को चित्र बने। बस इतना क्या हुआ, एक रकात के जरिए से चित्र बनाइए, साफ बनाइए, किसको हनफ किया कहते दो गाने, आपकी भी दो गाने, आपकी भी दो गाने को एक रकात के जरिए साफ बनाए। सलासा कहते हैं तहज्जुद में जितनी नमाज पढ़ी है सबको और सबको दाग बनाने की शक्ल यही है कि उसे अलग सलाम से पढ़कर के इसे खाने को। असल झगड़े का एक दुनिया भी नहीं। अब दो बातें और करो, एक तो ये है नहार कहा गया, नहार का क्या मतलब, सुबह सादिक से कितनी नमाजें पढ़ी है, फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, सबको मगरिब फित्र बना। इसी तरह से ये जो फित्र बढ़ाया गया है ये मगरिब के फर्जों के बाद से कितनी नमाजें पढ़ी है इन सबको ये दाग बनाया। जब ये फित्र लैल होगा जैसा वो फित्र नहार है वो दिन की सारी नमाजों को बनाता है, साथ बनाता है, ये वित्रुल लैल है, ये लैल की सारी नमाज फिर ये तहज्जुद की जो मसला मसला है इन्हीं के साथ खास क्यों करती है, ये तो फिर तहज्जुद का वित्र हो गया, वित्रुल लैल कहाँ रहा, फिर ये वित्र वित्रुल लैल नहीं रहा, वित्र सलातुल लैल हो गया, वित्र तहज्जुद हो गया। हालांकि वित्र तहज्जुद नहीं है, रिवायत इसकी सराहत है कि वो वित्र नहार है, ये वित्रुल लैल है और उसकी शक्ल यही है कि तीन रकात है मगरिब की वित्र हकीकी, वो दिन की नमाजों में शामिल होकर सारे दिन की नमाजों को मजाज वित्र बनाती है। ऐसे ही ये रात का जो वित्र है ये तीन रकात एक सलाम की वित्र हकीकी, ये रात की नमाजों में शामिल होकर सारी रात की नमाज को दाग बनाती है। और अगर आप इसको सिर्फ तहज्जुद के लिए दाग बनाना करार देंगे ये तो गलत है, वित्रुल्लैल जो है सिर्फ तहज्जुद की नमाज को दाग नहीं बनाता, उसे सारी रात की नमाजों को बनाता। दूसरी बात ये जो हदीस का मतलब हनफिया ने समझा है वो करीने कयास है या इम्मे सलासा ने समझा है वो करीने कयास है, इस सिलसिले का फैसला एक बात से हो, वो बात ये है कि पूरे जखीरे हदीस में एक रिवायत गिरी पड़ी भी नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्रों की एक रकअत अलग सलाम से पढ़ी, ऐसे पूरे जखीरे हदीस में एक रिवायत गिरी पड़ी भी नहीं। और नसाई शरीफ में रिवायत अदा शर्ती शेखैन है, नसाई में रिवायत है हजरत आयशा की कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लिमु फी रकअतैल वित्र, जो हुजूर वित्र की दो रकअतों पर सलाम नहीं फेरा करते थे वो एक दिन का मसला नहीं है, दायरी मामूल कान ला युसल्लिम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लिमु फी रकअतैल वित्र, ये नसाई शरीफ में रिवायत है हजरत आयशा की और आला तबी की सही सनद, एक रिवायत चलो भाई सही थी कोई ऐसी तो पूरे जखीरे हदीस में नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि हुजूर ने पूरी जिंदगी में कम से कम एक मरतब दो रकातों पर सलाम पेश किया हो और एक रकात अलग पड़ी हो, ऐसी कोई रिवायत। हाँ सहाबा में से सिर्फ दो सहाबा से ये बात साबित है कि उन्होंने अलग सलाम से एक रकात की तरह की पड़ी, सिर्फ दो सहाबा से ये बात साबित है, एक हजरत इब्न उमर और एक हजरत मुआविया, इन दोनों सहाबा के बाद साबित है कि उन्होंने एक रकात अलग सलाम से पढ़ी, हजरत मुआविया ने भी एक रकात अलग सलाम से पढ़ी। इसके अलावा
किसी कहानी से भी ये बात साबित नहीं है। इसलिए हदीस अवशीष रथ हकीम का जो मतलब हनफिया ने समझा है वो करीने कयास मालूम होता है, क्योंकि अगर हुजूर का जिंदगी भर का ये मामूल होता है एक रकात अलग पढ़ने का तो कोई तो रिवायत होती, और कि बेशुमार साहबा में से बहुत से साहबा की रिवायतें होनी चाहिए। साहबा सिर्फ दो साहबा के बारे में साबित है कि उन्होंने जिंदगी में एकाध मरतबा एक रकात अलग सलाम से पढ़ा, और जब ऐसा हुआ तो देखने वाले को बड़ी हैरत हुई। जब हजरत मुआविया मुसलमानों में दो पार्टियां थी, हजरत अली की पार्टी एक, हजरत मुआविया की पार्टी। हजरत अली शहीद हो गए, अब अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया बन गए, लेकिन वो जो जहनी तौर पर पार्टियां हैं वो खत्म थोड़ी हुई। जो हजरत अली के हामी है वो हजरत अली के हामी, जो हजरत मुआविया के हामी है वो उनके हामी। तो एक दिन हजरत मुआविया ने वित्र एक रकात अलग पढ़ी, तो जिस आदमी ने देखा वो फौरन हजरत इब्न अब्बास के पास पहुंचे। इब्न अब्बास हजरत अली के आदमी, और उसने हजरत इब्न अब्बास से कहा कि मैं आपके लिए मुआविया की एक अहम बात लाया हूं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते, एक बड़ा अहम इश्यू लाया हूं, ऐसा मौजूद आया हूं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते। हजरत इब्न अब्बास ने पूछा क्या, कहने लगे आज उन्होंने फकत एक रकात वित्र अलग सलाम से पढ़ी। हजरत इब्न अब्बास ने कहा दुरो तुम फकत इन्नहु फकीह, ये हजरत इब्न अब्बास ने जिंदा किया है, बहुत बढ़िया इन्नहु फकीह वो मुज्तहिद है। इससे दो बातें, हजरत इब्न अब्बास की इस कौल से दो बातें, पहली बात तो ये कि सहाबा में एक सलाम से अलग रकात पढ़ने का मामूल नहीं। अगर आप मामूल था तो हजरत मुआविया की ये बात अचंबा कैसे हुई, और इसको देखने वाला लाकर इब्न अब्बास को बता रहा है कि आप इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहें तो इस उनवान के प्रोपेगेंडा करते पहले वो एक रकात पढ़ रहे। अगर सारे ही मुसलमान एक रकात अलग पढ़ते हैं, या मुसलमानों की जगह 50% मुसलमान एक रकात अलग पढ़ते हैं, तो हजरत मुआविया के अलग पढ़ने से प्रोपेगेंडा करने का उनवान कहां से आता है। तो उसी सूरत में है कि आप मुसलमानों में कोई एक रकात अलग नहीं पढ़ता, और ये गानों का वाकिया है उसे लाकर इब्न अब्बास को पकड़ा है कि आप कोई मुआविया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते। हजरत इब्न अब्बास से कतरो दूसरी बात उससे निकली कि हजरत मुआविया ने जो एक रकात अलग पढ़ी है वो इत्तेहाद है हजरत का, इन्नहु फकीहुन का ये मतलब, इन्नहु सुन्नतुन्नी का। हजरत इब्न अब्बास ने ये भी कहा इन्नहु सुन्नत नहीं, ये कहा इन्नहु फकीहुन, ये अनु मुज्तहिद है। और जैसे इमाम शाफी अलैहिर्रहमा, इमाम मालिक, इमाम अहमद मुज्तहिद है, और उनके इत्तेहाद में एक बात आई है तो हम उन्हें गलत थोड़ी कहते हैं कि वो भी मुज्तहिद है, उनका जो इत्तेहाद है वो उन पर उठते हैं। तो जब इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद का इत्तेहाद उन पर हुज्जत है, हमें उसे गलत कहने का कोई हक नहीं है, क्यों वो मुज्तहिदीन है। तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबु फकी उन वो मुज्तहिद है, अगर उनकी ये इत्तेहाद जीरा है तो हमें उसे दखल देने क्या जरूरत। मालूम हुआ कि हजरत मुआविया की राय की ये सुन्नत नहीं थी, अगर सुन्नत होती तो इब्न अब्बास ये कहते कि नबु सुन्नत, मगर ये नहीं कहा बल्कि कहा नबु फकी। बुनियाद दो बातें, एक तो औसी तरफ अतीम के मफहूम में इख्तलाफ हो गया कि रिवायत का क्या मतलब, दूसरा इसमें इख्तलाफ हुआ कि सलातुल वित्र और सलातुल लैल दो नमाजें हैं एक नमाज, इन दो बातों पर सारे इख्तलाफ का मतलब मुझे जो इस वक्त समझाना था वो ये समझाना था कि जो हजरात शवाफी ने दोनों नमाजों को तकरीबन एक करार दिया है तो उसकी कोई वजह, वो वजह ये है कि अफवाहुल वित्र और सलातुल लैल की रिवायतों में इतना उलझाव है कि हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने जो तय किया है उसकी वजह बिला वजह तय नहीं किया, इस रिवायत में इस कदर उलझाव है। ये उलझाव क्यों पैदा हुआ है, देखो सर तारीख में लिखा है कि जोहर की 12 रकात है, और सब बच्चे रटते हैं कि जोहर की 12 रकात है, 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 कहा है जोहर की 4 रकात है,
लेकिन शर्व की सुन्नतें और बात की सुन्नतें सब मिलाकर के टोटल 12 और उसको उस समय यही कहा जाता है कि जोहर की 12 रख। क्यों 12 एक साथ पड़ी जाती है? पहले की सुन्नतें, बात की सुन्नतें, फर्ज रसल एक साथ पड़ी जाती है, वो सारी जोहर की रसल ही शुमार होती है। उर्फ आम इसी तरीके पर क्यों के सलात हुजूर के जमाने में ज्यादातर लोग तहज्जुद गुजार और जो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में ज्यादातर लोग तहज्जुद गुजार और जो तहज्जुद गुजार थे पिछले हफ्ते की वो तहज्जुद के साथ पढ़ते। पिछले रिवायात में कहीं मजमूए को सलातुल लैल के यानी तहज्जुद माँ वित्र को सलातुल लैल के, कहीं दोनों के मजमूए को सलातुल वित्र के। बहुत कम ऐसी रिवायतें हैं जिसमें जूस रस्सी के साथ सलातुल लैल को अलग किया और सलातुल वित्र को अलग किया, ऐसी रिवायत है, लेकिन ऐसी रिवायतें बहुत कम है। बाकी आम तौर पर रिवायत ऐसी हैं कि मजमूए पर सलातुल लैल का इतलाक कर देंगे और मजमूए पर सलातुल वित्र का इतलाक कर देंगे। लिहाजा अबवाबुल वित्र की जितनी रिवायतें हैं वो ईद का चश्मा लगाकर पढ़ते, यानी हर रिवायत में ये गौर करना है कि सलातुल लैल कहा गया है तो इसमें वित्र है या नहीं, सलातुल वित्र कहा गया है तो इसमें सलातुल लैल तो नहीं। हर रिवायत में बहुत सीधा से गौर करना। दूसरा मसला जो इख्तिलाफ हुआ है वो ये है कि वित्रों की नमाज वाजिब है या सुन्नत है। ये मसला तो ज़ैली मसला है। जब हनफिया ने सलातुल लैल को अलग कर दिया, सलातुल वित्र को अलग कर दिया, तो ये सलातुल वित्र को उन्होंने वाजिब कहा, सलातुल लैल को सुन्नत कहा। और जब शवाफी ने दोनों नमाजों को अलग ही नहीं किया, दोनों का खिचड़ा बनाया, लट्टू बनाया, तो अब क्या कहेंगे? वाजिब तो कह नहीं सकते, सलातुल लैल की उसमें शामिल है तो वाजिब कैसे कहेंगे? अब ला महाला उनको सुन्नत कहना है, लिहाजा उन्होंने सुन्नत कहा। और तीनों अइम्मा अइम्मा सलाता के नजदीक वित्र सुन्नत और हनफिया के नजदीक वित्र वाजिब। आप कहेंगे कि हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा जो सुन्नत कहते हैं वो तो समझ में आता है, इनके यहाँ सलातुल लैल और सलातुल वित्र का मजमूआ है तो मजमूए को तो सुन्नत कहेंगे। लेकिन इमाम मालिक और इमाम अहमद के यहाँ तो सलातुल लैल अलग है, सलातुल वित्र अलग है, फिर वो सुन्नत क्यों कहते हैं? उसका जवाब ये है कि जो वाजिब का दर्जा है ये इन बुजुर्गों के यहाँ मुनक्का नहीं। अगर तो इमाम आजम पहले हैं और हनफिया ने ये दर्जा सुन्नत और फर्जों के बीच में मुस्तकिल दर्जा तजवीज कर दिया है, तय कर दिया। लेकिन हनफिया का जो मकतबे फिक्र था वो इराकी मकतबे फिक्र था, राय का मकतबे फिक्र था, इस मकतबे फिक्र के असरात वो बहुत चेतिन के मकतबे फिक्र पर नहीं पड़े। और बहुत चेतिन के मकतबे फिक्रीन कराम का जो मकतबे फिक्र है इसमें कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो वाजिब के मकतबे को बिल्कुल अलग कर। अगर उनमें कोई बड़ा जैसे हनफिया ने वाजिब का मरतबा अलग किया है, ऐसा ही मुहद्दिसीन ने अगर कोई बड़ा वाजिब का मरतबा अलग कर देता तो फिर उनके छोटों को खुद बखुद मानना पड़ता। लेकिन इनमें कोई भी नहीं पैदा हुआ कि जो अलग करे, यहाँ तक उनके यहाँ वाजिब का कोई मरतबा आखिर तक अलग हुआ ही। और होता यही कि बड़ा जो करता है छोटे खुद बखुद मानते चले जाते हैं। जैसे इमाम मालिक मुर्सल रिवायतों को कबूल करते हैं, मुअत्ता भरी पड़ी मुर्सल रिवायतों, सबसे पहले इमाम शाफी अलैहि रहमा ने तय किया था सब मुर्सल रिवायतें मोतबर, तो बाद के सारे बहुत किसी उन्हीं की राह पर चल पड़े कि मुर्सल मोतबर नहीं, मुर्सल मोतबर नहीं, मुर्सल मोतबर नहीं, सारे चीजें उन्हीं की राह पर चल पड़े। ऐसा ही होता है दुनिया में, जब बड़ा कोई बात नहीं करता है तो उसके छोटे यही उसके राह पर चलते हैं। तो मुहद्दिसीन के हल्के में जितने मुज्तहिदीन हुए उनमें से अगर कोई बड़ा वाजिब का मरतबा बिल्कुल अलग से चीज करता है छोटे मान ले, मगर वहां तो ऐसा पैदा ही नहीं। और हनफिया हनफिया बाद में नहीं, इन तीनों से पहले हैं और इन्होंने इस मरतबे को बिल्कुल अलग कर रखा, मगर